भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा ही मान था। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी के बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई भी घटना हो, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, मेड़ या खेत का झगड़ा हो, चौधरी साहब ही सभी झगड़ों का निपटारा करते थे। चौधरी जी के दरबार में जो फैसला हो जाता तो किसी को अदालत जाने की जरूरत ना पड़ती थी। चौधरी महाशय के 3 पुत्र थे। बड़ा लड़का बितान एक बहुत ही शिक्षित मनुष्य था। वो बड़ा ही अनुभवी और बड़ा ही नीति कुशल था। बूढ़े चौधरी साहब उसकी हर बात मानते थे, क्योंकि वह अदालत और कानून के मामलों में बहुत बड़ा जानकार था। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रहती। गवाह गढ़ने में वो पूरा उस्ताद था। उनका मझला बेटा था शान चौधरी, जो एक किसान था। वो बुद्धि से मंद लेकिन शरीर से बड़ा ही मेहनती था। तीसरा बेटा था गुमान, वो बड़ा ही रसिक था लेकिन बहुत ही उदंड था। मछली पकड़ने का शौकीन बड़ा ही रंगीला जवान था वो, लेकिन था वो अपनी मर्जी का मालिक ही। किसी भी घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश का उस पर कोई भी असर नहीं होता। उसकी भाभियां अभी तक उसकी ओर से निराश ना हुई थी। वो उसे अभी तक कड़वी दवाइयां पिलाती रहती, पर वह आलस्य का मारा उस पर कोई भी असर ना होता था। ऐसा कोई ही विरला दिन जाता जब गुमान को उसकी भाभियों ने कोई कटु वाक्य ना कहे हो। ये वैशीले शब्द कभी कभी उसके कठोर हृदय पर चुभ भी जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक ना टिकते। भोर होते ही उसकी थकान और पीड़ा शांत हो जाती। सुबह उठते ही वो हाथ मुंह धोता, बंसी उठाई और तालाब की तरफ चल दिया। बूढ़े चौधरी ने कई पैंतरे बदल बदल कर उसको समझाने की कोशिश की, परंतु कोई लाभ ना हुआ। भाई लोग तीखी निगाह से उसको देखा करते, पर गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता हो। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप उसे समझाता, बेटा ऐसी राह पर मत चलो जहां पर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का निर्वाह ना हो सके। भाइयों के भरोसे तक कब तक रहोगे? मैं तो पका आम हूं, आज टपका या कल, कुछ पता नहीं। फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? भाई भी तुम्हें ना पूछेंगे। भाभियों के रंग तो तुम देख ही रहे हो। तुम्हारे खुद के भी बाल बच्चे हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी नहीं लगता तो कोई और काम कर लो। पर गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता रहता। वो तो पत्थर का देवता था, कभी ना पसीजता। गुमान की इन सब हरकतों का दंड उसकी बेचारी पत्नी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने भी काम हो वो उसी के सिर पर थोपे जाते। चाहे उपले बनाना हो, कुएं से पानी लाना, आटा पीसना, सब काम वही करती। जेठानियां सीधे मुंह से बात ना करती थी, बस अपने वाक्यों के बाण से उसे छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन तक रूठी रही तो बांके गुमान कुछ नरम हुए और अपने पिताजी से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया और फूलाना समाया। कई 100 रुपये लगाकर कपड़े की एक दुकान खुलवा दी गई। गुमान के जैसे भाग्य जाग गए। अलग अलग तरह के कुर्ते और कई तरह के थान दुकान में लाकर रखे गए। परंतु यहाँ पर भी गुमान का आलस्य ही आड़े आया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ जरूर होता था। दुकान खुल तो गई थी, वहीं पर उसके 5-10 मित्र आ जमते और सारा दिन गपबाजी करते रहते। मित्रों के साथ गपबाजी और चाय नाश्ता, बस यही उसकी दुकान पर चल रहा था। इस तरह से 3 महीने चैन से कट गई। बांके गुमान ने खूब दिल खोलकर अपने अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत भी चौपट हो गई। टाट के एक टुकड़े के सिवाय कुछ भी ना बचा। घर वालों को जब ये पता चला तो बूढ़े चौधरी को भी बहुत गुस्सा आया। भाभियों ने घोर आंदोलन मचाया और कहा, इतनी बड़ी दुकान को इस निकट्टू ने भस्म कर दिया, अब हम कहाँ मुंह दिखाएं और कौन सा मुंह लेकर ये घर में पैर रखता है। किंतु बांके गुमान के तेवर जरा भी मैले ना हुए। वह मुंह लिए फिर घर आया और वही पुरानी चाल चलने लगा। बड़ा भाई बितान उसके ये ठाट बाट देखकर जल जाता था और सोचता था, सारा दिन मेहनत मैं करूं, पसीना मैं बहाऊं और सुख की जिंदगी जिए ये गुमान, खुद तो बस ये अपाहिज सारा दिन चारपाई तोड़ता है
और बन ठन कर निकलता है। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे मेरे ब्याह पर भी ना मिले होंगे। मंझले भाई शान के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन उनसे सही ना गई और अग्नि भड़क उठी। एक दिन बड़े भाई बितान की पत्नी ने गुमान के सारे कपड़े उठाए और मिट्टी का तेल उड़ेल कर उन पर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते ही देखते जलकर राख हो गए। गुमान बेचारा रोता ही रह गया। दोनों भाई खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। बूढ़े चौधरी ने जब यह दृश्य देखा तो सिर पीट लिया। वह समझ गया कि यह द्वेष की अग्नि है, घर को जलाकर राख कर देगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की ज्वाला ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया और इस गूढ़ विषय पर अपने विचार रखने के लिए कहा कि कैसे बेड़ा पार होगा, और अपने बड़े बेटे बितान से बोला, बेटा तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। इस तरह तो निर्वाह नहीं होगा। तुम समझदार हो, तुम ही कोई हल निकालो। परंतु बेटा बितान बिल्कुल चुप रहा। वह अभी इसका उत्तर सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा फट गया है। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को भी उतनी होगी क्या? उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ कि घर का बंटवारा कर दीजिए। भला क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हम पर हंसेगी और क्या। अपनी पत्नी की बात सुनकर बितान ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ पिताजी यही सही रहेगा। अब बारी थी मंद बुद्धि शान की, पर बेचारा वो तो किसान था, बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला। ऐसे गूढ़ विषय पर वो मुंह कैसे खोलता, वो दुविधा में ही पड़ा था। तभी उसकी धर्मपत्नी अपनी जेठानी का अनुसरण करते हुए बोली, बड़ी बहन ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढांकने को वस्त्र तक ना मिले और कोई सुख की नींद सोए, ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निर्वाह ना होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का पूरा अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी अपने बेटे गुमान से बोले, क्यों बेटा तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, काम धंधा करोगे या अभी भी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी ना थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना जैसे उसका रोज का काम था, किंतु आज उसके भाइयों की इस जली कटी पर उसको बहुत ही क्रोध आ गया। वो बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ, मुझसे मजूरी ना होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना है वो पीसे, मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है तो मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, अपनी अपनी फिक्र कीजिए। इतना कहकर गुमान वहां से चला गया। अब फैसला हो चुका था कि घर का बंटवारा किया जाएगा। दो तीन दिन तक गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया, वो बाहर ही रहता और चौपाल पर सोया रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और उसे मना कर घर ले आए। उसी गांव में एक फेरी लगाने वाला आदमी जिसका नाम था गुरदीन, जो सप्ताह में एक बार उस गांव में फेरी लगाया करता था। गुरदीन की टोकरी में तरह तरह की मिठाइयां होती थी। गांव के बच्चे तो जैसे बस उसी का इंतजार किया करते थे। गुरदीन की आवाज सुनते ही जैसे सारे गांव के बच्चे उसी की तरफ दौड़ पड़ते। वह गांव में हर मंगलवार को आया करता था। आज उसी के आने का दिन था और सभी बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरदीन एक बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, किंतु आसपास के गांव में उसका नाम किसी भी हनुमान मंत्र से कम ना था, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनते ही बच्चों में जैसे जोश भर जाता था। जहां बच्चों के लिए उसके पास मिठाइयां थी, वहीं उनकी माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माएँ कितना भी मना करती रहें, बार बार पैसे ना रहने का बहाना करें, पर गुरदीन चटपट मिठाइयां बच्चों के दोनों हाथों में रख देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहूजी पैसों की चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। आज भी मंगल का ही दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से दरवाजे पर खड़े हुए गुरदीन की राह देख रहे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा
और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता मेरे घर चलो तो कोई अपने घर का न्योता देता। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ता था। गुरदीन अपना टोकरा लेकर वहां पर पहुंच गया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का झुंड लग गया। भितान की पत्नी अपने बच्चों के साथ निकली और शान की पत्नी भी अपने लड़कों के साथ वहां पर उपस्थित थी। गुरदीन ने मीठी बातें करना शुरू की, पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के मिठाई हाथों में लिए हुए उछलते कूदते घर में दाखिल हो गए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वो था बांके गुमान का लड़का धान। यह तो बहुत मुश्किल था कि बालक धान अपने भाई बहनों को हंस हंस कर और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखे और सब्र कर जाए। उस पर भाइयों के बच्चे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर और ललचाते चिढ़ाते हुए खाते। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वह अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ही ऐसा निकम्मा हो तो दूसरों का मुंह ही देखना पड़ता है। उसने अपने बेटे को उठा लिया और प्यार से उसे दिलासा देने लगी। बेटा रो मत, अगली बार जब गुरदीन आवेगा तब तुम्हें भी मिठाई लाकर दूंगी, नहीं तो इससे भी अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनहूस मंगल हर सप्ताह चले आता है, फिर कोई बहाना करना पड़ेगा। हाय, अपना बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा भी ना पसीजे। वह बेचारी तो अपनी चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ना हो पाता था। जब माँ का बस नहीं चला तो उसने अपने बेटे को उतार कर जमीन पर रख दिया। वह रो रो कर सारी दुनिया को सिर पर उठाने लगा। माँ ने उसे बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के हट पर क्रोध भी आ गया। कहाँ तो वो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, परंतु इस बार ऐसा झल्लाई कि उसे दो तीन झापड़ जोर जोर से लगाकर और घुड़क कर बोली, चुप रह अभागे, तेरे ही मुंह मिठाई खाने का है क्या? अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। तेरे भाग्य में मिठाई खाना है ही नहीं। गुमान वहीं द्वार पर बैठा हुआ बड़े ध्यान से देख रहा। वह अपने बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त ये थप्पड़ बच्चे के मुंह पर नहीं बल्कि उसके हृदय पर तेज भाले के समान लगा था और चुप गया था। शायद उसकी पत्नी का अभिप्राय भी यही था। जिस तरह पत्थर में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी चाहे वह कैसा भी क्रूर और कठोर क्यों ना हो, कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आईं, आंसू उसके चेहरे पर लुढ़कने लगे। गुमान सचेत हो गया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी को देखते हुए बड़े ही करुण स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझको जो दंड देना चाहो वो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज सदा के लिए मुझे जगा दिया है, मेरे कानों में ये शंखनाद कर दिया कि मुझे कर्म के पथ पर ही चलना होगा। इस घटना से आलसी गुमान का हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि वह अब आलसी गुमान ना रहकर एक मेहनती आदमी बन चुका था। अब वह गांव में मजदूरी करता, अपने खेतों में काम करता और इतना धन अर्जित कर लेता जिससे वो अपने परिवार का निर्वाह सुख से कर सके। गुमान में आए इस परिवर्तन से उसका पूरा परिवार भी खुश था। बूढ़े भानु चौधरी भी अपने बेटे में आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत ही खुश थे।